को पता भी नहीं। तो अरे रिजल्ट कैसा मिला, हम लोग घर में घुस घुस के पूछते एक एक से। सुनो जरा, क्या आपको नहीं, कुछ नहीं चल रहा है, ये हमारे और एक है। हम लोग क्या है बात पर घर पे जा जाके हम वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। आई एम एमडी गोट फार्म विद मोहम्मद भाई। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई। वालेकुम सलाम फातिमा। मोहम्मद भाई का फार्म जो है पलाई का स्पेशल फार्म है। सो अगर आपके पास स्पेशली अंडुल बकरे हैं अच्छी क्वालिटी के, सो आई वुड पर्सनली रेकमेंड आप एमडी गोट फार्म पे भेजें। बिकॉज ऑफ द केयर टेकिंग, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ गोट्स, बिकॉज ऑफ अ ह्यूज स्टाफ विच डजंट चेंज, एंड बिकॉज मोहम्मद भाई कीप ऑन कमिंग सुपरवाइजिंग इट पर्सनली। ठीक है, लॉट ऑफ रीजंस मोहम्मद भाई, आप बताइए अभी नया सीजन आने वाला है, व्हाई शुड पीपल कीप देयर गोट्स एट एमडी गोट फार्म फॉर पलाई? फॉर बेस्ट पलाई फार्म बाय बेस्ट रिजल्ट। कोटा का शौक और हमारा फेस ऑफ ये सब होगा, जिसमें आप अगर बड़े कोटा भेजते हैं तो शो में उतरेंगे, आपके हर बकरों के रील्स बनेंगे इंशाल्लाह। अगर आप बाहर भी बैठे हो, आउट ऑफ कंट्री हो, तो भी आपको शौक पूरा हो जाएगा फार्म बाय। देखिए क्या होगा, द बेस्ट पार्ट इज ना सिर्फ आई मीन ऑफ कोर्स एफएसए विल कंटिन्यू टू शूट। मोहम्मद भाई की पर्सनली रीच जो है इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इनकी वीडियो मिलियंस में चलती है। ठीक है, खुद के बलबूते पे, खुद के बलबूते पे। सो अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज़ ही इज क्रिएटिव एंड ही कीप्स ऑन ब्रिंगिंग सो मच इनोवेशन। मैं भी फाद भाई से सीखा हूं कुछ। नहीं नहीं, आप खुद क्रिएटिव हो, मैं आपसे सीख रहा हूं काफी। ठीक है, सो आपके बकरे अगर आपको देखना है, इफ यू कैन नॉट मेक इट टू द फार्म, आपको शौक पूरा करना है हर महीने, आई थिंक दिस इज द बेस्ट फार्म टू कीप। फात भाई, अपना बकरे का सीन ऐसा है कि हम स्टार्टिंग में भी शूट करते हैं जब बकरे आए हुए रहते हैं, और मिडल और एंड में भी बकरे शो होते हैं। तो रिजल्ट क्या है क्या नहीं है वो बकरे देखकर ही लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत रिजल्ट तो खैर रहता ही है, लेकिन बहुत से लोग क्या है, अगर रिजल्ट दे भी रहा है कोई फार्म और बकरे देखने नहीं मिले, सो व्हाट इज द पॉइंट? बात वही है, है ना, कि जितने बाहर के हमारे कस्टमर्स हैं ना, उनका शौक, अब इब्राहिम खुद बोलता है, बोले हम लोग कुर्बानी के टाइम काफ़ी कुर्बानी होती है, लेकिन हम सिंगल पीस नहीं खाते क्योंकि वो आउट ऑफ रहते हैं। तो बोले हम लोगों का शौक जितना भी है, वो वीडियोस और रील्स देख के ही उनका पूरा होता है। तो उन लोगों के लिए बेस्ट है ना फाद भाई, यार अपना शौक करे, यहीं पे रखे, जहाँ रखना है रखे। काफी और अगर लोगों को लगता है कि भाई ऐसे शौकीन बहुत कम है, आप बिल्कुल गलत हो, ऐसे शौकीन बहुत सारे हैं। शौकीन के बहुत है, नहीं बोलो तो भी एक एक शौकीन के अगर बकरे गिनने का 40-50 ऐसे शौक है, और वो भी रीसेलर नहीं है फाद भाई, उनके खुद के पर्सनल जो वो लोग कुर्बानी करेंगे और जो पलटी होंगे नेक्स्ट ईयर के। ठीक है, प्रीमियम क्लाइंट जो है एमडी गोट फार्म को काफी मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि भाई आपसी यू नो दोस्ती खाते में बकरे पाल रहे हैं, कुछ नहीं है फाद भाई। देखो रिजल्ट दोस्ती खाते में भी है ना, लोग तभी रखेंगे जब आपके आप अगर रिजल्ट दे रहे हो। अगर मैं अपने दोस्त को ही रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो फाद भाई वो अपने बकरे को रिवर्स करवाने के लिए वो यार दिल पे लगेगा ही ना, नहीं रखेगा। सिंपल चीज़ है, आज जो है तो सामने सामने ही है। अच्छा, बकरे बता देंगे, लेकिन किसके बकरे बता रहे हैं वो पहले हम ये भाई हमारे इब्राहिम भाई के कलेक्शन है, वो तो यहीं पे है ना, मैं उनसे जरा पूछ लूँ पहले। चलो, उसके बाद क्या आते हैं कि आपके टूथपेस्ट में क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट में नमक है, उनको पता भी नहीं। हम लोग अंदर जा रहे हैं, नहीं उठे होगे ना, आई होप दे आर नॉट इन एन ऑकवर्ड पोजीशन। अस्सलाम वालेकुम। तो अरे रिजल्ट कैसा मिला, हम लोग घर में घुस घुस के पूछते एक एक से। सुनो जरा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हाँ भाई, शायद है। आपको बकरे हमारे यहाँ रखकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा, मजा आता है भाई। मजा आता है। रिजल्ट कैसे मिला आपको? रिजल्ट एंड है भाई, एंड है ना, महीने का 15-20 किलो तो कहीं नहीं गया बकरों। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई। तो बकरे के अलावा यहाँ पे क्या चल क्या रहा है? नहीं, कुछ नहीं चल रहा है, ये हमारे और एक है। हम लोग क्या है फात भाई, घर पे जा जाके हम लोग पूछ के, वो तो मोबाइल में लगा हुआ है खाली चादर ओढ़ के। रिजल्ट कैसा, एमडी गोट फार्म कैसा लगता है आपको? बहुत फर्स्ट क्लास। हाँ, फर्स्ट क्लास, एक नंबर, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, लाहौर वाला वाला को तल्ला बिल्ला अल अजीम। हां माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा फीडबैक मिला सर। ये और है के इधर भाई, एमडी गोट फार्म कैसा लगता है? देखो बहुत अच्छा लगता है, कोई सब हां ही बोलेंगे, नहीं तो पट्टा रखेला होती। चार हमजा तो है इधर,
तो माशाल्लाह अभी हम लोग इब्राहिम भाई का शौक करा रहे हैं। तो ये भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है क्लाइंट्स को? हाँ, क्लाइंट्स को मिलती है, हम घर जाके पूछ के आते हैं। इंसानों का भी होता है? हाँ, इंसानों का भी होता है। तो भाई आप गेट लगा दे, उनका काम हो गया। चलिए, दिस वाज जस्ट ऐसी मजाक कर रहे थे। उनको मालूम नहीं था इब्राहिम भाई जो है खुश है, बोल के बकरे रख रहे हैं। कोई क्लाइंट अगर खुश नहीं होता तो बकरे नहीं होते। काफी बकरे इसमें से जो अपने बेचे हुए फाद भाई, और काफी अच्छा रिजल्ट है। फिर सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द फेस ऑफ चैलेंज बिना। हाँ, जानशीन जानशीन ये हमने विंटर फेस ऑफ में डाला था, आई थिंक दिसंबर या जनवरी में। फाद भाई ये बकरे के इतने पैसे लग गए ना, इतने लोगों ने मांगा, लेकिन वो बंदा नहीं देता है क्योंकि बेचने वाला आदमी है नहीं। पकड़ जरा बकरे को। और अगर आप देखोगे फेस ऑफ से अभी तक के बड़ा ही इम्प्रूव, इसका पेटी लटक रही है, पेटी अभी लटक रही है, अच्छी खासी लटका ली है ना, क्योंकि ये याद है मेरे को अच्छे से। श्रीवर्धन गया था वहाँ से उठाया था ये बकरे को, पेटी नहीं थी वो टाइम पे, चेहरा ऊपर कर बकरे का। माशाल्लाह भाई, बकरा आप ले तो ऐसा ले तो शौक होता है। और बहुत से लोगों ने क्या बोला, जैसे कल वो बंदा आया था नासिक से, रत्नागिरी से, वो बोले कोटा बकरों में शौक करना है। तो भाई किसी ने कमेंट भी किया हमारी वीडियो पे, रील्स पर, क्या मुझे कोटा बकरों का शौक जो है वो एमडी गोट फार्म से जागा, एमडी गोट फार्म से। मैं भी काफी कमेंट आपके इसमें भी जा के पढ़ता हूं। तो आई थिंक वो हक की बात है। आई मीन मेजॉरिटी कोटा बकरे देखो दो चीज़ों से, एक तो वो भराई के बकरे देख के शौक होता है, और एक जो बड़े बड़े बकरे जो एमडी पे ही देखने मिलते हैं, बड़े कोटा में और सेल्फ फीडिंग में। आप फाद बिल्कुल बिल्कुल, और एग्रेसिव, इतने बड़े कोटा माशाल्लाह। आज देखो रिजल्ट, ये अपन फेस ऑफ में उतार चुके हैं, तब इतनी पेटी लटकी हुई नहीं थी। सेकंड आपको आपके ही चैनल पे और एक पहले आ चुका है ये बकरा। उसके अलावा एक और बताता हूँ ना, ये भाई खलना है, ये तो भाई झालर पे चल रहा है। नहीं ये भी माशाल्लाह ऐसा नहीं कि भाई इंप्रूव ही हुआ है, इंप्रूव हुआ है, आई कुड मेक आउट कि भाई इंप्रूव ही हुआ है। पहले खाली बाल था, सुपड़ा था, सिक्के संभाल के रखे, उसका झालर मेंटेन करके रखे हुए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, इसके सिक्के एक साल से बचे हुए हैं, और इसके भी सिक्के इंटैक्ट है, बहुत बड़े सिंग है। तो क्या क्या कर रहे हो आपने, यानी इनको खूंटे पे ही बांध के रखे हो आपने? स्टार्टिंग से ये खूंटे पे ही थे, एक बार उसको केज में डाला था। तो अगर केज में होते तो और शायद ज्यादा रिजल्ट देते, लेकिन रिजल्ट देते और सिंग नहीं होता तो मायने नहीं होता, सीन ही है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि फिर आपको खूंटे पे ही रखना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। काफी बकरे जो खूंटे पे है वो नहीं बनते, केज सेपरेटली देना पड़ता है। ऐसा सीन है इन लोगों। तो ये है खलनायक। आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि जजेस लोग ने इसको बर्खास्त कर डाला था। जज अपने एंड थे ना, मुस्तफिज भाई बैठे थे ना? नहीं, ये मुस्तफिज भाई इस टाइम पे नहीं थे, नहीं थे, उससे पहले वाले। ये बहुत टाइम से है बकरा, मालूम है ये तो लास्ट टू लास्ट फेस ऑफ वाला है। फाद भाई जो उसका सामने का हिस्सा है ना कोटा के अंदर, आज की तारीख में हम ढूंढने गए ना नहीं मिलते, ठीक है। आई एम सॉरी आप लोगों को क्लियर देखने नहीं मिला, सन ऊपर है। हाँ। तो मैं लेफ्ट में जाऊँ या राइट में जाऊँ थोड़ा डार्क ही दिखेगा, क्योंकि सन ऑफ द हेड। ये एक बकरा ऐसा है जिसको आप खाली खड़े हो जाओ, और ये जब चल के भी आएगा ना, इसके रील जो है वो मिलियंस में जाते हैं, और मिलियंस में जा चुके, मिलियंस में जा चुकी है उसकी। और जानशीन की आपने जो पप्पी लिए थे, 5 मिलियन की पप्पी हो गई है वो। क्या बात कर, हाँ 5 मिलियन की पप्पी हुई है ना फेसबुक पे। हमारे भाई का किसी ऐसा है और खूबसूरत, ठीक है। व्हाट इज दिस ब्रीड, काठियावाड़ी क्या है? यस फाद भाई, सिक्के जब ये भी इब्राहिम भाई का है। हाँ इब्राहिम भाई का है, माशाल्लाह क्या सिक्के, सिक्के सीधे ऊपर आ रहे हैं और वजन भी अच्छा गेन कर रहा है। ये जो है सिक्के, ये टूटने वाले सिक्के नहीं है, नहीं है फाद भाई, जो मोटापा देखो ना यार, आई थिंक फार्म पे सबसे बड़े सिक्के इसी के हैं। हाँ सारेन को छोड़ देता हूं, हथियार के बाद में यही है, हथियार था, हथियार करके एक और है। नहीं नहीं हथियार था ना वो जो भाग गया था शायद, अभी नहीं है, नहीं अभी नहीं है। ओके, ओके। अपने शूट में भागा था ना वो, क्या नाम था उसका? वो तो बहुत पुराना मिलका, अच्छा हाँ मिलका, भाग मिलका, वो तो अलग नस्ल थी ना, नस्ल अलग थी, बट सिक्के में अभी ये बड़े सिक्के में, और वो भी खड़े सिक्के में। जी, जी, जी। मौदाई कुछ है बिकने के लिए इनमें से? कुछ भी नहीं, बेचना नहीं है, बेचना नहीं है, कुछ भी नहीं। तो कितना साल रखेंगे, कुछ आइडिया दिए उन्होंने? जानशीन पलटी हो रहा है, खलनायक भी शायद पलटी हो जाएगा। जानशीन भराई पे जा रहा है? ना ना ना, यही तो पलटी हो रहा है, तो जानशीन और खलनायक पलटी हो रहा है, पलटी हो रहा है माशाल्लाह। यहाँ और एक है देखो, पागल बच्चा है। एक मैंने नोटिस किया हूँ अभी, उनका शौक ऐसा हो गया कि सिंह देख के बकरे ले रहे हैं। ना ना सिंह देख के नहीं ले रहे फाद भाई, तो ओवरऑल देख के ही लेता है। चारों बकरे की सिंह वैसी है माशाल्लाह, बड़ी बड़ी। ये इतने बड़े नहीं थे तभी जब आया। हाँ बचपन में आया था। कितना क्या वेट पे आया था जाकिर? ये 40 kg पे आया था फाद भाई। सिंह इतनी बड़ी नहीं थी उस टाइम, तभी इतनी बड़ी नहीं थी ना यार, निकालते ना फाद भाई यार।
मोहम्मद भाई दोबारा बता दे, हम पलाई पे यहाँ पे लोग भेजेंगे और पलाई का रिजल्ट रेट जो है 3,500 and 3,800 रहने वाला है। और आप कुछ, थोड़ा बस फ़ोन गर्म हो जाएगा मोहम्मद भाई, यू कैन कम या मोहम्मद भाई, कुछ वी टॉकिंग अबाउट एडवांस पलाई को दे देता है एक साल के लिए, कम कर दूंगा भाई, कर लेंगे आप कम कर, छः महीना, यस यस, छः महीना साल भर का एक साथ में कर दो, हम लोगों को भी इजी हो जाता है, आप लोगों को बार बार मैसेज डालने की भी जरूरत नहीं है, और थोड़ा डिस्काउंट अच्छा, भी उस बीच खुदा ना खासा मोर्टेलिटी हो जाती है तो वो पैसा जो है दूसरे उसमें एडजस्ट कर लेंगे, हाँ दूसरे बकरों में एडजस्ट हो जाता है, इस बात पे। तो ये हो गए चार बकरे, लेट्स कम टू दिस मालवा, माशाल्लाह मालवा बहुत अच्छी तैयारी पे, ये भी इब्राहिम भाई का है, यस इब्राहिम भाई का, सिंह जबरदस्त है, और मालवे का शौक भी करो भाई, कोटा तो खैर अगर नॉट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड, बट मालवे जो है रिलेटिवली सस्ते आते हैं, बहुत अच्छे शौक करने आते हो ना, आप बोलते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, मालवे का भी रेट अभी हाई हो गया, क्या बात, एक टाइम पे थे 25, 22, 23, 24, अभी नहीं मिलता, अभी वो 25, 22 वाला है ना 45, 50 हो गया, ऐसा है 40, 45 ऐसा ये रेट हो गया, बट शौक कीजिए और क्या, ये 40, 45 स्टिल अफोर्डेबल है लोगों के लिए, ये खूबसूरत गुजरी उनके कलेक्शन में, माशाल्लाह माशाल्लाह, उनका ऐसा फातबा, उनके सारे बकरे जितने कुर्बानी कर रहे थे वो सबके सब जाते गोवा, गोवा से ट्रेवल, नहीं नहीं गोवा जाते, अच्छा गोवा में, गोवा के हैं उनके मम्मी डैडी, गोवा में है ना, ओके, तो ईद और बकरीद वहीं मनाते हैं। सो हाउ मेनी गोट्स वी हैव इब्राहिम भाई का टोटल यहाँ पर, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 बकरे तो यहीं खड़े हुए, 20 बकरे खड़े हुए, 20 बकरे तो यहीं खड़े हुए, तो इसमें से कितने चले जाएंगे अपने, 10 जाएंगे, ओके, हाँ 10 जाएंगे, अभी आते के साथ एक कश्मीरी उनका गया है, जी जी जी, घर पे ऐसे ही कटने के, ये बकरा देखो माशाल्लाह जबरदस्त है, खूबसूरत, ये एक अपन उस दिन शॉट किए थे ना, ये वो है जखराना ब्रीड, इसकी फीमेल भी लिए थे उन्होंने, हाँ हाँ यार, क्या मर गई क्या है, नहीं नहीं वो बेच दिए थे पूना साइड में कहीं पे भेजे थे, जखराना है ये, कान सफेद मुंह पे वो, ठीक है, ये भी उन्होंने बहुत रीजनेबल दाम में मिलिया था इफ आई रिमेम्बर, लेकिन सिर्फ रीजनेबल रेट में बकरा मिला था, उनका ट्रांसपोर्ट का 30,000 रुपया गया था फाद भाई, कहाँ से आते हैं जखराना, इन्होंने बहुत वाया मंगाया था वो टाइम, ओडिशा राजस्थान, हाँ ऑलमोस्ट, क्योंकि ये जो घूम फिर के आए ना उसके अंदर सिर्फ 30,000 रुपये बकरे का ट्रांसपोर्ट लगा था फाद, ओडिशा में कौन सी ब्रीड थी वो गंजम ना, गंजम, और ये गंजम का तो मुझे भी नहीं पता था, मैं दूसरे यूट्यूब चैनल पे देखा तो मुझे पता चला, आई हैड नो आइडिया, ये भी लिए बीच में खड़ा हुआ है डायमंड, व्हाट अबाउट दिस वन, तोतापुरी, इसका इसकी बताइए हिस्ट्री क्या है, जाकिर आ जा, जाकिर आ जा भाई, ये अपने फार्म से लिया गया है आपने, के बाहर से, ये कहाँ से लिया था, अच्छा ये जंगल से आया तोता परी, क्या वेट पे आया था, 45 kg पे, और अभी कितने किलो पे आती है ना, तोता परी है, इटावा इटावा वही, हाँ वही हो गया ना यार, साउथ अफ्रीका नहीं वो इंडोनेशियन, इंडोनेशियन इटावा उस टाइप में है, वही सोच के बंदे ने लिया है, यानी कि उनकी शक्ल देखे वो क्या फ्रेम में रहते हैं, तो अलग ही झालर वाले रहते हैं वो, केज वुडन बनाएंगे ना ऐसा झालर खींच के अपने इंशाल्लाह, फेस वैसे ही पंच फेस तोता पर ही है मेनली है ना, और अभी कितने किलो पे खड़ा है, 40 से 75 पे गया है, और ये वाला ये तो छोटा पारस भाई। अरे तो पारस है जो था, इसने तो भाई इसका तो देखो इसने अच्छा रिजल्ट दिया ही है, दिया और ही हमने है। ये वेट गेन चैलेंज वीडियो में बताया भी आपको, जरा खेल जरा उसके साथ, उबे तू खेलेगा, पारस ने सिंह घस दिया है, घस दिया है, पकड़ के दिखाओ उसको, नहीं नहीं राइट वाली सिंह घसा है ना, पकड़ के दिखाओ उसको, नहीं नहीं पकड़ूंगा तो नहीं, जरा नहीं पकड़ सकता, पारस भी वो डबल हड्डी वाला है, उसको बोला मैं, इसको बोला नहीं है, जाकिर ने बोला उसका वजन कराने के लिए, तू इसको खोलेगा उबैद, फाद भाई ये देखो हम बोलते हैं ना जो तरीके से कंटिन्यू खींचता है गले की रस्सी, तो वो गले का जो, अब बोलते हैं कि उसमें पट्टा डालो, पट्टा डालने से भी कुछ नहीं होता, बहुत से लोग बोलते हैं पैर पे बांधो, नहीं नहीं पैर में मैंने एक खलनायक के बांध के रखा हो सिर्फ झालर के वजह से, क्योंकि वो झालर के वजह से भी नहीं वो सींग में से निकाल देता है, तो क्या डिसएडवांटेज है पैर में बांधने का, खींच खींच के लंगड़ना स्टार्ट करते हैं, अच्छा ऐसा है, लचक भरी जाता है, ओके ओके, इसके लिए मैं ज़्यादा करके, और जब वो ज़्यादा खींचते हैं ना तो वो नीचे का हिस्सा है ना ब्लॉक हो जाता है उनका, जिससे वेन दबने के एक चांसेस है, ओके, इसके वजह से मैं बहुत पैर बांधा करो, बहुत रेयर, आप गले में बांधो भले बाल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होएगा, खोल जरा खेल,
मोहन भाई गर्म क्या है भाई, 40 डिग्री में हम लोग शूट कर रहे हैं, बाय द वे 41 डिग्री में टू बी प्रिसाइज खेलना, और ये अप्रैल का हाल है। बाद भाई सामने से पकड़ नहीं सकते, शॉर्ट हाइट में बकरा। मतलब आप तो खेलते ही नहीं हो। हाँ नहीं खेलता, उसके साथ नहीं खेलना है मेरे को, उसके साथ खेलना था खेला ना फाद भाई, मारता है वो, ओनर को तो पहचानता होगा। नहीं पहचानते यहाँ पे बकरे, नहीं साथ में सामने खेलना, सामने से ऐसा सीन। ये किसके अंडर था, ये किसी ने? उबैद तू यहाँ, वो चला गया कलाम, उबैद आना। कलाम कितना बड़ा है उसके बाद से, बड़ा है या नहीं बड़ा? रोजा नहीं है ना, आजा आजा मोहल भाई आप ही कर लो ना इसके साथ। तो वो रस्सी पकड़ के रखा है फिर भी आप डर रहे हो। मोहम्मद भाई रस्सी पकड़ के रखा है कलाम, नहीं अरे रस्सी पकड़ा है ये, उसको हाथ नहीं लगा। जाकिर भाई कमजोर है, इनको वो है क्या है पतरी सामने से। जाकिर भाई पी रहे हो ना एप्पल साइडर विनेगर ब्लैक्स का? मेरा भी पतरी का प्रॉब्लम उसी से सॉल्व हुआ था, ऑफकोर्स दवा भी किया था साथ में, बट तीन बार पियो और नारपेट पीना जरूरी है। रिजवान पकड़ी कुछ फर्क सामने नहीं। से सिंह पकड़ी अभी देखो, अब पकड़ लिया रिजवान ने, रिजवान पकड़ने नहीं बोले, उसको गुस्सा दिलाने बोले। नहीं गुस्सा नहीं, सामने से खाली सिंह पकड़। बता बता, मेरा फोन गर्म हो जाएगा। नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, अपन भरेंगे भाई, बहुत अच्छे है। सामने से पकड़, तो है वो कैसा है मालूम है, मेंटल है, अचानक में मारता है। लास्ट टाइम पे भी रिजवान को एक बकरे ने मारा है यार, अपन फालतू में बोलते पकड़ो पकड़ो, वो यहाँ पे ना यहाँ करके मारा था। हाँ। मारते वो लोग को बकरे बराबर याद रहते कौन कैसा मारता है, इसके लिए हाथ लगाने कोई देखता नहीं। ये माशाल्लाह ये अपना डायमंड है फाद भाई। मोहम्मद भाई ये था क्या फेस ऑफ में? ये फेस ऑफ में था लेकिन काफी इंप्रूव हुआ है माशाल्लाह। पेटी वेटी देखो ना माशाल्लाह, एकदम लटक गई। नहीं ये फेस ऑफ में नहीं था, डायमंड फेस ऑफ में था, ब्राउन ब्राउन थे फाद भाई ने कैंसिल किए थे उस टाइम पे, वैसे ऐसा था नहीं। अभी कंडीशन में आया, हां अभी कंडीशन, अभी कंडीशन में आया। अभी अगर हम फेस ऑफ के लिए देखें ना, तो एक ये डायमंड है जो हम ले सकते हैं, एक ये वाला है बढ़िया, या पब्लिक और जजेस लोग कोटा कोटा बड़े वाले को ही जिताते हैं। ये है हालांकि एक नंबर है, अरे खूबसूरत ये है, बोर है, बोर भी है, बोर भी है, ये बकरा भी है, गुजरी है माशाल्लाह। इसका नाम है डायमंड। किसका? इसका नाम डायमंड है। ओके ये खूबसूरत गुजरी, ये माशाल्लाह गोल्डी तो आ गया ना, गोल्डी हो। जाकिर भाई 115-20 कितना है? 120 होगा आराम से, बहुत बड़ा बकरा है भाई ये तो माशाल्लाह। 120 केजी पे खड़ा है फाद भाई माशाल्लाह। दो कश्मीरी हैं। इसका क्या है हिस्ट्री? ये तो अभी आया हुआ, ये तो अभी आया हुआ। आपने उठा दिया ये बहन भाई? हाँ उठा देने का फाद भाई। ये दो यहीं रहे ऐसा है। और ये बकरी की हिस्ट्री बोले थे मम्मी, जो हमने वो याद है ना अपन मंदी लेट के बनाया था, वहाँ पर एक वीडियो बनाए थे मम्मी के साथ, दो बकरे थे, दो बकरे थे तभी कैसा था, और अभी देखो मम्मी अंदर आके बोलता यार नहीं बेचना चाहिए था मेरे को। एक साल पुराना वीडियो है माशाल्लाह, बहुत अच्छी तैयारी आई है। सो ऐसी तैयारी के लिए प्लीज सेंड योर गोट्स टू एमडी गोट फार्म, ठीक है? प्रेफरेबली हम चाहेंगे कि बारिश के पहले ही भेज दो, बारिश में ना भेजो, बारिश में मत भेजो, बारिश के पहले भेज दो, बारिश के पहले भेजो, लेट द गोट्स। बकरी चालू हो रही है इसको तो ऑलरेडी आपने देख चुके हैं बहुत। यहाँ पे दो और कश्मीरी है खूबसूरत, ठीक है? इनमें भी है और पोटेंशियल ना। जाकिर भाई कितना गेन करना चाहिए और 15-20 किलो आराम से होएगा, आराम से इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और एक खूबसूरत बैठा हुआ है वहाँ हमारा ये, यहाँ की गर्मी सह पाएंगे क्या? कुछ एक्स्ट्रा पंखे वंखे का बंदोबस्त है इन लोगों के लिए कश्मीरी बकरी? नहीं 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 ऐसे ही बन जाते हैं फाद भाई, हो जाता है। अच्छा गर्मी रहती है मोस्टली 2-3 महीने बहुत ज्यादा रहती है, तो वो 2-3 महीने के लिए दो टाइम तीन टाइम चले जाता है उनको दो टाइम पे। और ये खजूरी कान वाला कौन सी नस्ल में? बरबरा। बरबरी क्या मालवा? बरबरी उठाओ। हाँ माशाल्लाह। तो ये था इब्राहिम भाई का कलेक्शन। हम गुजारिश करेंगे कि आप अच्छी नस्ल के बकरे भेजो, क्योंकि आपको अगर रिजल्ट देखना है, ऑफ कोर्स हर एक बकरा रिजल्ट देगा, जिस टाइप का आपको रिजल्ट चाहिए उसके लिए यू सेंड गुड क्वालिटी। पैसा महंगा ले लो, अगर क्वालिटी बच्चा ले रहे हो, 4 दांत 6 दांत का भी ले लो। मैं तो बोलता हूँ लोग बोलते बुड्ढा हो जाता ये हो जाता, कुछ नहीं होता भाई, 4-6 दांत के बाद में जो रुआ आता है ना वो अलग ही आता है भाई।
परफेक्ट, चलिए थैंक यू सो सो मच, सेंड योर गोट्स फॉर पलाई एट एमडी गोट फार्म, जगह अवेलेबल है फॉर नेक्स्ट ईयर, नॉट दिस ईयर, अभी तो हार्डली कोई केजेस खाली हो गए, ठीक है, नंबर स्क्रीन पर है, 79 पलाई रेट है 3500 फॉर नेक्स्ट सीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट जून से, जून एंड से, 3500 50 केजी तक के, 3800 अबव 50 केजी, ठीक है, नो वैक्सीनेशन चार्ज, नथिंग, कोई चार्ज नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू।